कराची में हुआ कत्ल की खामोश वारदातों में होश रुबा इजाफा। आप क्या इसको, एक नौमौलूद बच्चे के कत्ल को आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी जान का कत्ल है, या आप समझते हैं कि एक जिस तरह किसी बालिग शख्स का एक कत्ल जो होता है वो हार्ड कोर क्राइम होता है? मैं तो समझता हूँ कि बड़े से तो आपकी मुखालफत होती होगी तब आप किसी का कत्ल करते होंगे, इससे तो आपकी किस चीज की मुखालफत, ये तो उससे डबल गुनाह है मेरे हिसाब से। क्या हकीकतन अभी तक हम जमाने जाहिलियत की तरफ जा रहे हैं? ये पता नहीं किस किस सोच के लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं। मैं नहीं समझता, औलाद कोई भी बोझ नहीं है, इवन बेटा हो या बेटी हो। कत्ल मासूम जानों का। ये बात दुरुस्त है कि ऐसे नौमौलूद कत्ल यानी नौमौलूद बच्चों की कत्ल में इजाफा हुआ है? ये पिछले कई सालों से इजाफा होता जा रहा है। पिछले साल 2021 जो अभी ख़त्म हुआ है, और इसमें हमने 288 जो है वो नौमौलूद बच्चों की लाशें सिर्फ कराची से उठाई हैं और दफन की। अगर आप ये झूला ना रखते तो उनका मुकद्दर जो था वो कचरे की कुंडी होता। हज़ारों बच्चों की जानें बची हैं, हमने हज़ारों बच्चे एडॉप्शन के लिए दे हैं। हमारे पास दो किस्म के बच्चे आते हैं। कत्ल नौमौलूद बच्चों का, इन्फेंटिसाइड के मौजू पर देखिए चीख उठा कराची का खुसूसी प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम चीख उठा कराची जुमेरात से हफ्ता शाम 7:05 पर सिर्फ K21 न्यूज़ पर।